दोस्तों आप लोग देख सकती हैं हम लोग से मिलने कोई आया है हमारे घर में, ये देख सकती हैं हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी ही आप लोग स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं सर्वाइवल ऑन राफ्ट। पिछली बार हम लोग यहाँ पे अटक गए थे और गए सभी, यहाँ पे रात हो रही है तो हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे एक बेड बना के सो जाती है। मेरे पास बेड बनाने के लिए सामान तो है ना, जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, सीवुड बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं बेड लगा लेता हूँ और उस पर सो जाता हूँ। ये बनाया मैं बेड और ये सो गया। अरे सिंचन उठ जाओ जल्दी से, ये बहुत टाइम हो गया सोते सोते। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लग गया तुम लोग को सोते सोते, मैं तो सबसे पहले उठ गया था। अरे सिंचन ये कजामा एक नंबर का झूठा है, इसे खुद नींद नहीं आ रही थी, यहाँ पे बो ने इसे उठाया है। दोस्तों मैं सबसे पहले उठा था, मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से रिसोर्सेज जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ कलेक्ट करने में, क्योंकि अकेले अकेले कलेक्ट करते करते तुम थक जाओगे। अरे ये क्या, यहाँ पे तो कोई पास में डिब्बा ही नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें, यहाँ पे तो कोई डिब्बा ही नहीं आ रहा है। सोचो अगर डिब्बा नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे, तो यहीं मर जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी रस्सियाँ हैं और थोड़ा मोड़ा खाना भी है मेरे पास में, काम कर तो फिर से हैमर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। ये दिया मिनी फ्लोर और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फ्लोर, यहाँ पे भी फ्लोर लगा दिया मैंने। चलो अब हम लोग यहाँ पे एकदम अच्छी अच्छी जगह सकती है, हम लोग यहाँ पे आराम से फुटबॉल भी खेल सकते हैं। अरे सिंचन यहाँ पे फुटबॉल हम लोगों को नहीं खेलना है, यहाँ पे हम लोगों को सर्वाइव करना है, तुम भी क्या आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हो हर दो मिनट में। अरे दोस्तों तुम लोगों को पता है क्या, वो सार्क हम लोग के चारों ओर घूम रही है, तो हो सकता है वो हमारे ऊपर अटैक भी कर दे। अरे मुझे उससे बहुत डर लगता है, अगर सार्क अटैक करेगी तो तुम लोग भी इसके पास जाना, मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं पीछे छुप जाऊँगा। चलो दोस्तों मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे ही सार्क आएगी हम लोग सांप बसाओ को आगे ढकेल देंगे, तो वो ये देखो ढकेल दिया मैंने इसको सांप काट। अरे सिंचन ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, अगर हम लोग मर गए तो हमारा सारा सामान यहाँ पे गायब हो जाएगा, हम लोग फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक ही नहीं करता बट शायद मैं एक दो बार करूँ बीच में। अरे ये क्या, सार्क अटैक करने आ रही है, हम लोग तो सार्क की बात कर रही थी और ये लोग ये भी आ गई। अरे ये क्यों, इसने तो हमारा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया, इसे मारो जल्दी। अरे हाँ हाँ मारो 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 जल्दी जल्दी मारो। ओ चलो फाइनली बच गए इससे हम लोग। अरे दोस्तों ये सार्क बड़ी बेकार है, ये हर दो मिनट में हमारा प्लेटफॉर्म तोड़ने के लिए आ जाती है। दोस्तों हमारा लेवल पता है आप लोगों को कितना हो चुका है, हमारा लेवल आप देख सकते हैं नीचे में 9 हो चुका है। हम लोग आपको दिखाते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर जल्दी से एक और बना लेता हूँ। हमारी एक और ये मछली वाली वो चीज़ भी अनलॉक हुई है, हम लोग इसे बाद में क्राफ्ट भी करेंगे। अरे सिंचन रुक जाओ मैं ये लोगों को दिखाता हूँ हमारे पास कितनी सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी है। हम लोग को ना यहाँ पे एक घर बनाना है, तो हम लोग का उसके लिए ना दीवार भी अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ये हम लोग की बोट टाइप कुछ है, ये भी हम लोग की बहुत जल्द 10 लेवल पे अनलॉक हो जाएगी, तब हम लोग इसे भी बना के शायद घूम पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोर विंडो और डोर वे सब अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बाद में क्लॉक भी बना पाएंगे, लेवल 22 पे अनलॉक होगी, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये फायर फ्लेस है, इसमें हम लोग थोड़ा ऑटोमेटिक टाइप चीज़ है ये। अरे सिंचन चलो फिर से हम लोग थोड़ा आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी आइटम्स हो चुकी हैं, हमें अपना घर बनाने के लिए बहुत सारी आइटम्स लगेगी, और अगर हम लोगों ने अपना घर बना लिया तो हम लोग बहुत सेफ हो जाएंगे, ये सार्क हम लोग के ऊपर शायद अटैक नहीं कर पाएगी। हाँ तुम सही बोल रही हो, हम लोग को जल्दी से जल्दी अपना घर बनाना होगा। अरे ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारे डिब्बे आ चुके हैं, पहले तो डिब्बे आ ही नहीं रहते, मैं जल्दी से जितने भी डिब्बे हो सकते सब कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना घर भी बनाएंगे। अरे दोस्तों रुक जाओ मैं एक बार सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही थी। अरे ये क्या, हमारा लेवल 10 हो गया, और ये देखो ऊपर में एक कुछ साइन आ रहा है सिप टाइप, लगता है ये कुछ अलग ही चीज़ है। अरे दोस्तों तुम लोगों को नहीं पता है, ये एक तरह का ट्रेडर टाइप है जो हम लोग से सामान ट्रेड करने आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। अरे ये 0 हो गया कूल डाउन,
ये कहाँ पे कुछ आया क्या? अरे ये क्या, सामने में तो एक सिप दिख रही है मेरे को, ये शायद उसी की सिप है, मैं इसे हाय बोलता हूँ। जल्दी से तू हम लोग के पास आ जाओ जिससे हम लोग तुमसे बात भी कर पाए। तो चलो ये आ रहा है जल्दी से, तब तक मैं थोड़े से और डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिब्बे कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास लगता है मेरे पास बहुत सारी सीबुल हो गई है, और ये यहाँ पे आ चुका है। अरे दोस्तों आप लोग देख सकती हैं, हम लोग से मिलने कोई आया है हमारे घर में, ये देख सकते हैं ये हम लोग से बात कर रहा है। अरे सिंचन ये बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, मेरे को नहीं लगता था कि ये आइलैंड के बीच, ये समुंदर के बीच में कोई हो भी सकता है। ये बोल रहा है कि तुम हम लोग से ट्रेड भी कर सकते हो, बोल रहा है तुम मेरे को चीज़ें दो और फिर मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम मेरे से पैसे के बदले चीज़ें खरीद सकते हो। हमारे पास थोड़ा सा पैसा इसने हमें फ्री में दे दिया, बोल दिया तुम जाओ शॉप देखो और तुमको जो अच्छा लग रहा है वो तुम ले सकते हो। अरे दोस्तों ये तो बहुत सारी चीज़ें रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा ओपी चीज़ है, मॉनिटर भी है। दोस्तों मैं मॉनिटर खरीद रहा हूँ और ये आइलैंड स्कैनर का ब्लूप्रिंट भी, क्योंकि तो मुझे लगता है ये आइलैंड स्कैनर के ब्लूप्रिंट से हम लोग अपना आइलैंड भी ढूंढ पाएंगे। और ये हम लोग को मॉनिटर सेट, इसमें हम लोग टीवी देख सकते हैं, जैसे टीवी होता है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या, ये तो वुड का प्लेटफॉर्म है। ये रेडियो है, इसे भी खरीद लेता हूँ, इससे हम लोग गाने सुनेंगे। एक काम करता हूँ, ये देख सकते हैं लेवल 10 पे हमारी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो गई है, और ये सबमरीन भी अनलॉक हो चुकी है। अरे सिंचन ये देखो हमारा आइलैंड स्कैनर अनलॉक हो गया, इसके लिए तो हमें 5 चीज़ें चाहिए जिनमें से 2 तो हम लोगों ने ले ली। एक काम करता हूँ, माइक्रोवेव ओवन भी ये लाया, उसे भी खरीद लेता हूँ, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए होगा, पैसे के लिए हमें इससे सामान जल्दी से कलेक्ट करके देते हैं। चलो अच्छा, अगर हम लोग के पास एक्स्ट्रा आइटम्स होगा तो हम इसे बेच देंगे और हमें उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। मैं जल्दी से यहाँ से पानी भी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। ये पी लिया मैंने पानी, और मैं एक और पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे और भी प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है मेरे को। तो भी मसाओ तुम्हारा पानी पीना हो गया हूँ, तो मैं इसमें वापस से पानी भी डाल देता हूँ, जब भी हम लोग को प्यास लगे हम लोग वापस इससे पी ले। इसमें प्लैंक भी लगा देता हूँ, और ये मछली में भी आग लगा देता हूँ मैं। ये लिया मैंने प्लैंक, और ये पहले खा लेता हूँ मैं क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। ये लगा दिया प्लैंक, चलो इससे फिर से बात करते हैं। अरे ये क्या, ये स्केयर दो तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है, 20,000 का, ये तो पता नहीं हम लोग खरीद भी पाएंगे या नहीं। अभी तो हमारे पास बस 97 रुपीज़ है। अरे दोस्तों हम लोग इसके सिप के ऊपर चढ़ते हैं। अरे वाह, हम लोग तो सिप के ऊपर ही चढ़ गए, फिर तो इसने फ्लावर्स भी उगाए। अरे सिंचा मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, हम लोग जल्दी से इसकी सिप लूट लेते हैं। अरे दोस्तों तुम लोग ऐसा मत करना, वरना अगर हम लोगों ने किया तो ये हम लोग से वापस मिलने भी नहीं आएगा, और अगर मिलने नहीं आया तो हम लोग यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ, और ये मॉनिटर को मैं एक काम करता हूँ जल्दी से जाके रख देता हूँ उसमें। अरे सिंचन रुक जाओ, मैं रख देता हूँ चेस्ट में। चलो यहाँ पे मैंने मॉनिटर लिया और इसे चेस्ट में रख दिया, और हम लोग चेस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, वैसे बाद में चेंज करेंगे, अभी तो हम लोग और कुछ काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिब्बे में और आइटम्स सेल करते हैं जल्दी से, बट अगर हम लोगों ने इसे सारा आइटम्स दे दिया तो हम लोग को कमी हो जाएगी आइटम्स की। मैं फ़िलहाल के लिए ये बेच देता हूँ, इसे ये ले ले, और यहाँ पे ये बेच देता हूँ, और हमें 200 और डॉलर मिल गए। ये डॉलर बोलो रुपये बोलो जो भी बोलना है। ये मछली बेचती है क्या? ओ ये मछली भी बेकार ही है। एक काम करता हूँ, बेचूँ या नहीं बेचूँ, ये तो खाने की चीज़ है, वैसे छोड़ो बेच देते हैं, अभी ये ले लेता हूँ मैं जल्दी से। अरे इसके लिए और थोड़े से पैसे चाहिए यार, हमारे पास अभी भी नब पैसे नहीं हुए। उदीक जामा तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, अभी रुको मैं जल्दी से डिब्बे कलेक्ट करता हूँ, और डिब्बे कलेक्ट करने से हमें बहुत सारा आइटम्स मिल जाएगा, और वो आइटम्स को हम लोग और बेचेंगे और माइक्रोवेव भी ले लेंगे, और हो सकता है अगली बार ये और 2 आइटम्स ले आए और फिर हम लोग आइलैंड स्कैनर भी बना पाएंगे। अरे हाँ दोस्तों हम लोग फिर आइलैंड्स भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। अरे अरे ठीक है ना, तुम लोग इतना लड़ने क्यों लगते हो, मेरे को कोई चिंता विंटा नहीं हो रही है। अरे सिंचन चलो एक काम करते हैं, इसकी सिप के ऊपर बैठ के हम लोग डिब्बा कलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी तो हम लोग डिब्बा कलेक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ कह भी नहीं रहा है। चलो जल्दी से मैं यहाँ से डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे दोस्तों
हमारे पास लगता है बहुत सारे डिब्बे होने ही, ये डिब्बे नहीं आइटम्स होने ही वाले हैं। जल्दी से कर लेता, उसके बाद हम लोग अपना घर भी बिल्ड करेंगे। ये मर्चेंट से मिलके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे दोस्तों, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ दोस्तों, मुझे भी बहुत मज़ा आया इस मर्चेंट से मिलके। चलो, हम लोगों ने बहुत सारे ये कलेक्ट कर लिए हैं, अभी काम करता हूँ। अरे वाह, हमारे पास तो हद से ज़्यादा सीवूड है। हम लोग रोप बना लेते हैं और एक काम करता हूँ, मैं आइलैंड थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि हम लोग वाल बना पा रहे हैं या नहीं। हम लोग बना सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसे इस तरफ लगा देता हूँ अपने ये सब के पीछे, इससे हम लोग थोड़े सेफ रहेंगे। यहाँ पर मैं एक जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ खिड़की लगा ये हम लोग। अरे हाँ सचिन, तुम सही बोल रहे हो, हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी गैप भी छोड़नी होगी। खिड़की हम लोग बनाएंगे तो हम लोग उससे देख पाएंगे कि क्या क्या है। अरे दोस्तों रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ विंडो भी बना लूँ उसके लिए, बट 8 रोप लग रही है। एक काम करता हूँ, मैं फ्लोर ही बना लेता हूँ, उससे हम लोग बाद में बना लेंगे, क्योंकि उसको बनाएंगे तो हमारा सारा आइटम ख़त्म हो जाएगा। अरे ये क्या, हम लोग के ऊपर सार्क अटैक कर रही है। अरे दोस्तों यहाँ पे तो ये जहाँ पे हम लोगों ने बिल्ड किया वहीं पे अटैक कर रही है। मारो मारो इसे, मारो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे इसे। अरे ये तो भाग गई, हर बार ये भाग जाती है, इसे लड़ने तो आता है ही नहीं। अरे हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये लड़ने आती है, 2 मिनट में भी भाग भी जाती है। हमें इसे मारने के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, ये भाले से तो बस हम इसे डरा सकते हैं, इसे मारने के लिए कुछ और करना पड़ेगा हम लोगों को। चलो दोस्तों, मैंने जल्दी से आइटम्स बेच दिया। मैं काम करता हूँ, ये माइक्रोवेव ओवन भी ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने ओवन, अब मैं एक काम करता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सिप है, ये सिप को हम लोग बुला नहीं सकते हैं क्या? लगता है हमें उसके लिए एक बंदूक चाहिए होगी, क्योंकि हम लोग के पास एमो तो है ही। ये एमो अगर है तो ज़रूर इसमें बंदूक भी होगी। एक काम करता हूँ, पूरे डिब्बे कलेक्ट करता हूँ, इसमें डिब्बे हो सकते हैं, ये बंदूक हो सकती है। जल्दी से अपना रीच मोड ऑन कर लेता हूँ। अब देखो मैं कितने फास्ट फास्ट डिब्बे पकड़ता हूँ। जल्दी 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 डिब्बे डिब्बे जल्दी 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 डिब्बे पकड़ो, डिब्बे पकड़ो, जल्दी 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 डिब्बे पकड़ो, डिब्बे पकड़ो। अरे सिंचैन, तुम ये क्या कर रहे हो, इतने फास्ट डिब्बे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। अरे सिंचैन, ये मेरे को सब पता है, ये तो हम लोगों ने एडिटिंग किया, इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट पकड़ रहे हैं। गाइस, अगर आप लोगों को लग रहा है हम लोग इतना फास्ट कैसे पकड़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी एडिटिंग किया हम लोगों ने, वरना वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती। अरे हाँ दोस्तों, चलो हम लोगों के पास बहुत सारे डिब्बे हो गए। अरे इसके सिप के पीछे से भी मैं तो डिब्बे ले लूँगा, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता हम लोगों का। इसके सिप के चारों ओर घूम घूम के मैं डिब्बे लूँगा और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। हा हा हा। अरे सिंचैन, जल्दी से मैं भी डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने बहुत सारे डिब्बे कलेक्ट कर लिए और हमें एक और एमो भी मिल गई। इस डिब्बे को भी ले लेता हूँ मैं। अरे ये क्या, ये डिब्बा तो एकदम साइड में है, छोड़ो इस डिब्बे को नहीं करता। अगर हम लोग पानी में गिर गई तो वो सार्क आके हमें खा लेगी। हम लोगों ने बहुत सारे डिब्बे ले लिए हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इधर के भी सारे डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ, पहले इधर के डिब्बे फिर उधर के डिब्बे। अरे हाँ दोस्तों, तुम लोग एकदम सही काम कर रहे हो, मैं भी यहाँ से सीवूड कलेक्ट कर लेता हूँ। ये सीवूड ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से हम लोग का आइलैंड एक्सपैंड होता है। अगर ये नहीं रहेगी ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सीवूड है, थोड़ा सा मैं फ्लोर एक्सपैंड कर लेता हूँ। अरे ये हो क्यों नहीं रहा है, एक काम करता हूँ मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अरे हो गया, चलो जल्दी से यहाँ पे भी बिल्ड कर लेता हूँ। अब हमारा घर बहुत बड़ा हो चुका है, हम लोग यहाँ पे आराम से रह पाएंगे। अगले एपिसोड में हम लोग इसे और पूरा करेंगे और धीरे धीरे करके हमारा पूरा घर भी बन जाएगा। ये अगले एपिसोड में हम लोग पूरा बना लेंगे इसे। चलो जल्दी से मैं इस तरफ का तो कंप्लीट कर ही लेता हूँ, कि कम से कम एक तरफ का तो कंप्लीट रहे, हम लोग एक तरफ से बचेंगे। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। और खिड़की मैं अभी लगाऊँ या बाद में लगाऊँ, एक काम करता छोड़ देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ। खिड़की तो बाद में लगा लूँगा खिड़की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोप ले रही है, जब हमारे पास बहुत सारा माल होगा तब उसे लगाएंगे। अरे हाँ दोस्तों, चलो मैं यहाँ से थोड़ी और डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डिब्बे कलेक्ट करना इस गेम का मेन काम है। सिंचन, हमें अब ये वीडियो को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाते बनाते बहुत टाइम हो चुका है। हाँ दोस्तों, हम लोग सही बोल रही हो, हम लोग भी बहुत थक चुके हैं। हम लोग जाएंगे, थोड़ा सोएंगे वोएंगे, खाना पीना खाएंगे और हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और अगर हम लोग अगले एपिसोड में अपने घर को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस। हाँ दोस्तों, हम लोग मिलेंगे आप लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कॉमेंट करना मत भूलना।